सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हम लोग इंसान है कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। क्या आपको पता है कि कितने कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों में कितनी भाग्यशाली हैं। आलोचना आधुनिक काल की जरूरत है। यहाँ से आदमी अपने को कम्फर्ट करता है, अपने को संबंधित करता है। उस भाषा के साहित्य का दुर्भाग्य तय है जहाँ आलोचक महान हो, कवि नहीं। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि, सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 2:51 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:32 से 5:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मेष राशि 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ समय किसी जरूरतमंद को दे दें। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, आप पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप नए लोगों से जल्द ही परिचय भी कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है। अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं। बाहर जाएं और दूसरों के साथ रहें। नए और लाभदायक कनेक्शन बनाने के लिए यह एक आदर्श समय है। चोरी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें और समय पर ध्यान दें। घरेलू परेशानियों से निपटने के लिए रिश्तेदारों की मदद लें। आज अपने दोस्तों के साथ गुणवत्ता का समय बिताएं। आपके पूर्व प्रतिस्पर्धी भी आपकी सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्त केवल आपको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपके कौशल और क्षमता को भी निखारेंगे। इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, किंतु आपका परिश्रम उसे मजबूत बनाता है, इसीलिए कड़ी मेहनत करें। आज सितारे बताते हैं कि आज आपको दूसरों की मदद करने में आत्मिक खुशी मिलेगी। आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जिसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको आज खुशी मिलेगी। आपको आज भाग्य जीवन साथी से गिफ्ट मिलेगा। आप मनपसंद भोजन का आनंद भी लेंगे। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपके काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन फिर भी आप अपने काफी काम आसानी से निपटा पाएंगे। परिवार के सदस्यों में यदि कुछ खटपट चल रही थी तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी भी हो सकती है। कुछ नई गतिविधियाँ शुरू होगी, साथ ही परिजनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। युवाओं को किसी सराहनीय कार्य की वजह से विशेष सम्मान भी मिल सकता है। वह लोग भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। प्रशंसा की वजह से आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है। काम से संबंधित रुकावट इच्छा शक्ति के बल पर दूर हो जाएगी। पैसों से संबंधित समस्या दूर करने की कोशिश करें। अनुभवी व्यक्ति से मिल रहे मार्गदर्शन का इस्तेमाल करते हुए समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। काम से संबंधित नए अवसर मिलेंगे लेकिन जिस काम का चुनाव करना है ये ठीक से तय करने की जरूरत है। पार्टनर पर ध्यान देने से रिलेशनशिप की नकारात्मकता दूर हो सकती है। सेहत में अपेक्षा के अनुसार सुधार आएगा। सतर्कता रखें, अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और आय भी प्रभावित हो सकती है। दोपहर का समय अनुकूल रहेगा। खुशियों के साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। मनोरंजन में समय व्यतीत होगा और परिवार के साथ वक्त बीतेगा। शाम का समय बेहतर भी रहेगा। सावधानियां, कोई प्रतिकूलता आने पर मन को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाए भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। संतान की किसी गतिविधि के कारण आपको तनाव हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की।
घर की समस्याओं को आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में भी कुछ गलतफहमियां उठ सकती है। आपके अपने प्रिय के साथ आज घूमने का प्लान चौपट हो सकता है। इस प्लान को रद्द करने के पीछे का कारण जानने के लिए अपने पार्टनर को बहुत अधिक परेशान ना करें। आराम से घर पर बैठकर अपना मनपसंद टीवी शो देखने से या कोई अच्छे सी किताब पढ़ने से भी आपका दिन उतने ही मजे में कट सकता है। आपके करिश्मे और आकर्षण के कारण नया विशेष संबंध बनने के योग हैं। अपने साथी को खुश करने के लिए आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं। उन्हें मूवी दिखाएं या उनको शॉपिंग पर लेकर जाने से आपका दिन बन जाएगा। आपके दोस्त आपके जीवन की वो संपत्ति है जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्त आपके कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। किसी खास के लिए भी समय निकालें और उसके साथ अकेले कहीं दूर जाएं। निसंदेह आपको कुछ गुदगुदाते हुए पल मिलेंगे। अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए कुछ खास सोचें। बात करते हैं करियर की। अभी आपका ध्यान अपने दोस्तों और नेटवर्किंग पर है। आज आप अपने आकर्षण व करिश्मे से किसी के दिल में भी जगह बना सकते हैं। लक व्यापार और करियर की दृष्टि से आज के दिन उच्चतम है। अतिरिक्त आय के लिए स्वरोजगार या फ्रीलांसिंग के बारे में सोचें। आज कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आ सकता है। इस समय जीवन के उतार चढ़ाव में आपको परेशानी तो होगी, अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनसे आपके कौशल में सुधार आएगा और क्षमता भी बढ़ेगी। एक दूसरे से बात करना मतभेद को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। अच्छा, आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच न करें। वे सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए ये एक अच्छा दिन हो सकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्था से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की वजह से उच्च भुगतान नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। सभी व्यवसायिक कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे। स्टाफ और साथियों से उचित तालमेल रखना जरूरी है। बीमा कमीशन आदि जैसे व्यवसाय में फायदा होगा। ऑफिस के कार्यभार से आज कुछ राहत मिलेगी। कार्य में सुधार होगा और उन्नति की ओर अग्रसर भी होंगी। जो अशांति उत्पन्न हुई है वह ठीक होगा। नए लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। शत्रु पराजित होंगे। विवादों में पक्ष मजबूत होगा। परिवार का साथ मिलेगा। नए व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। निवेश लाभ होगा और नौकरी में सफलता के योग हैं। बात करते हैं सेहत की। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने दिल के मामलों में नाटकीय स्थितियों और विवादों से बच कर रहें। आज का उपाय। आज अब सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।